हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करने वाले। ये बेसिकली अपडेट वीडियो रहेगा इस कंपनी के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन पहले जब मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में अपडेट करता था तब इस कंपनी के बारे में मैंने बताया था। तो ये कंपनी बेसिकली ई गवर्नेंस जो सर्विस होता है वो प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का खास बात है DII होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है इस साल। उसके साथ साथ आज का अगर ट्रेडिंग क्वांटिटी देखें तो 17 लाख प्लस क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए हैं आज। एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज भी 42 का निकल के आता है। और मैंने पहले, चलिए एक बार देख लेते हैं इंस्टाग्राम में कहाँ पे मैंने किस तारीख को मैंने ये स्टॉक के बारे में बताया था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टॉक मैंने 28 मई को दिया था। अभी 19.7 रुपीज़ के लेवल्स में मैंने बताया था बाई करने को, जो आता है ये ब्रेकआउट पॉइंट में मैंने बाई करने को बोला था आप लोगों को। उसके साथ साथ जो टारगेट था हमारा तो 25 रुपीज़ के आसपास का निकल के आ रहा था टारगेट। तो अब बहुत दिन हो गया टारगेट अचीव करे हुए, अच्छा खासा रिटर्न देके चला भी गया ये कंपनी। अभी फिर से नीचे गिर रहा है और अभी नीचे के लेवल्स में ये कंपनी मिल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इसके बारे में ये एक अपडेट वीडियो रहेगा। मुझसे बहुत लोग DM में पूछ रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए कंपनी में, क्या हम लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं लेवल्स क्या निकल गया था कंपनी का। तो अभी मैं कोई भी लेवल्स ड्रॉ करने से पहले मैं नाम देख रहे थे अलंकित, ये डेली चार्ट खोला हुआ NSE का, 19.75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करा है। आज ऑलमोस्ट ये लोअर सर्किट टच होकर आ रहा है ऊपर। तो ये मैं जब पहले ही बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया था उसी के लेवल्स में आप लोग पकड़ के चल सकते हो, उसी के लेवल्स में फिर से ये स्टॉक मिल रही है। तो अब क्या करें, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 25 रुपीज़ का जो लेवल है वो जुलाई के महीने के पहले ही वो टच करके फिर से नीचे गिर गया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो अभी न्यू फ्रेश एंट्री क्या करनी चाहिए, क्योंकि वो ये स्टॉक जिस लेवल पे मैंने बोला था उसी लेवल पे आप लोगों को मिल रहा है। ये मैंने बता दिया किसी भी लेवल ड्रॉ करने से पहले। अभी लेवल ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आती है स्टॉक में। तो स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रही है, मुझे पर्सनली लगता है ये जो सपोर्ट एरिया है वो इससे फिर से सपोर्ट लेके 25.85 या 26 के लेवल से कंपनी दिखा सकती है आप लोगों को फिर से 25 या 26 रुपये की लेवल फिर से दिखा सकती है। लेकिन पहले कन्फर्मेशन का वेट करो, कल का मार्केट देखो, क्या पता कल फिर से नीचे जाए कंपनी। अगर ये जो सपोर्ट एरिया आप लोगों को दिख रहा है अगर इससे नीचे चली जाती है तो 90% चांसेस है कि 15 रुपीज़ के अराउंड से फिर से बाउंस बैक करेगा कंपनी। क्योंकि एक पेनी स्टॉक मैक्सिमम आपने दो रेजिस्टेंस या दो सपोर्ट को 2x2 बोलते हैं इसे, मैं बोलता हूँ पर्सनली, इसमें 2x2 रूल है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने जिससे पर्सनली सीखा है मैक्सिमम पार्ट, तो जब मैंने पहले स्टॉक मार्केट में एंटर किया था तब ना यूट्यूब था ना गूगल में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने जिससे स्टॉक मार्केट सीखा है वो पर्सनली से 2x2 रूल बोलते हैं, बोलता था, तो मैं भी 2x2 रूल ही बोलूँगा। अब अगर आप लोग देखते हो तो ऊपर में दो अगर रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है तो एक पेंचूट कर दिया, लेकिन 90% चांसेस होता है कि दो नंबर रेजिस्टेंस से वो नीचे गिरेगा। और अगर नीचे के सपोर्ट के बारे में बात करें, पहले वाला पेंट्रेट कर दिया लेकिन दूसरे वाला सपोर्ट से ये सपोर्ट लेकर नीचे ऊपर उठेगा, ये होता है 2x2 का रूल। मतलब मैक्सिमम दो में 90% चांसेस रहता है, कभी कभी तीन में भी चलाता है, तो वो तो एक्सेप्शन हर जगह पे होता है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, बाउंस बैक का कन्फर्मेशन मिल जाता है, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, आज जो वॉल्यूम है उसमें भी ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा, मतलब आप एक बाउंस बैक दिख सकता है या तो फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख सकता है या तो फिर एक बाउंस बैक दिख सकता है आप लोगों को। ये अभी क्या करना है आपको, अगर ये बाउंस बैक कर जाती है तो आप लोग बाई करके चलना अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास, 25.85 या 26 रुपीज़ के लेवल्स के लिए। अगर ये नीचे गिर जाती है तो अराउंड 15 रुपीज़ तक वेट करना, लेकिन 15 रुपीज़ में बाई नहीं करना है 2x2 रूल के अकॉर्डिंग। क्या पता ये फिर से नीचे चले जाए, उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं आया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी। वेट करना है बाउंस बैक के लिए, बाउंस बैक के टाइम अगर आप लोग बाई करोगे तो एक बार कंफर्म रहोगे आप लोग कि बाउंस बैक के टाइम बाई कर लिया और टारगेट में जाके सेल कर लिया। जैसे कि दो सपोर्ट मैक्सिमम चांस रहता है कि दो नंबर सपोर्ट से ये ऊपर उठेगा, मैक्सिमम चांस ऐसे भी वो भी रहता है कि ये दो नंबर रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा। तो आप लोगों को होल्ड नहीं करना है दो नंबर रेजिस्टेंस के लिए। आप लोगों को एक बार अगर मन में डाउट है तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना फास्ट रेजिस्टेंस के अराउंड,
और जो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकल लेना है मार्केट से। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है स्टॉक में तो सेकेंड टारगेट तक आप लोग खोल करके चल सकते हो। अब डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये अलंकित का चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी 500 में लिस्टेड है कंपनी। आज ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है कंपेयर टू द डेली हाई। आज 41 लाख क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 825 लाख रुपीस के आसपास। अगर 52 वीक हाई का बात करें तो 30 जून को और 52 वीक लो भी 19 अप्रैल को, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ये लो से हाई मतलब ऑलमोस्ट अपने 100% रिटर्न देके गई है कुछ ही दिनों के अंदर अप्रैल से जून। स्टॉक मार्केट में ये टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता है अप्रैल टू जून। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 42% डिलीवरी परसेंटेज निकल करता है। पेंडिंग ऑर्डर 9829 क्वांटिटी है 19.75 रुपीज़ के लेवल में, आप लोग देख सकते हो। 17 लाख क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बोला था। अभी फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या फिगर्स निकल के आते हैं कंपनी के। जैसे कि मैंने पहले बताया अलंकित इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस प्रोडक्ट सेल। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 325 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। ROC 14.3%, ROE 11.3%, बुक वैल्यू 6.4%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रहा है लेकिन इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड 0.88% की देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में है कंपनी ग्रोथ, मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 17.8% अप ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो, एटलीस्ट डिविडेंड तो देती है क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज़ को, डिविडेंड कंपनी अगर नहीं देती है तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो एक्स्ट्रा देती है वो। अगर डिविडेंड नहीं देती है तो बुरी लगने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि कंपनी अपना जो पैसा है वो री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर रही है जो पैसा है। डिविडेंड दे देती है तो मतलब ये तो रिटेलर्स हो गए, इन लोगों को दे दिया। अगर पैसा नहीं देती है कंपनी उसका मतलब ये अपने फिर से जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कर रही है, मतलब दो अगर बोथ साइड से जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का ही प्रॉफिट होगा। क्वार्टरली सेल्स के बारे में बात करें तो क्वार्टरली सेल्स में एक डाउन देखने को मिल सकता है आप लोग, ऑलमोस्ट 50% डाउन देखने को आप लोगों को मिल सकता है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें, सेल्स में नहीं, सेल्स में तो सिर्फ 6 करोड़ का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 6 से भी कम करोड़ का डिफरेंस, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट बाई 4। मतलब पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर का 4 times था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत ही कम किया कंपनी ने, इसीलिए सेल्स कम होने के बावजूद इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, सिर्फ 3 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला है इस साल। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो सिर्फ 14 करोड़ का कर्जा है जो कि कंपनी ने इस बार 1 करोड़ इंक्रीज किया, लेकिन पहले 14 ही था मार्च 2019 में, पहले तो 0 था लेकिन अचानक से इन लोगों ने कर्जा लिया है। लेकिन इन लोगों के पास रिजर्व काफ़ी है, कभी भी कंपनी कर्जा दे के कर्जा चुका सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकल गया था 71.33% प्रोमोटर्स का पैसा लगा हुआ है। FIIs ने अपनी होल्डिंग सेल की है और DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक में देख लेते हैं किस किस का पैसा लगा हुआ है। 1.95% 6 पॉइंट अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो देख लेते हैं पब्लिक का कितना पैसा लगा हुआ है एक बार कैलकुलेट करके, ओरिजिनल रिटेलर्स का, हम आप जैसे लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। तो हम आप जैसे लोगों का 17.87% पैसा लगा हुआ है कंपनी में जो कि एक अच्छा खासा स्टेक निकल आता है। लेकिन अगर एक चीज़ के बारे में बात करें तो बड़े प्लेयर्स इसने जो श्री गजराज फाइनलीज प्राइवेट लिमिटेड है इसने अपने स्टेक इंक्रीज़ किया है और दे दिया जो है वो भी अपने स्टेक इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे जो पब्लिक का ओवरऑल पैसा लगा हुआ है छोटे मोटे और छोटा या बड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स को सबको लेके, तो पब्लिक का होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ये कंसर्न हो सकती है। लेकिन पहले तो अच्छा खासा जब FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तब से ठीक है, लेकिन अब तो होल्डिंग इंक्रीज़ होल्डिंग क्या, ये लोग अपनी प्रोमोटर्स का जो रिटेलर्स का होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग सोच सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं है कंपनी में। 6 out of 10 रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो, कि आप लोग देख सकते हो अप्रैल से जून के अराउंड ये कंपनी मतलब अपने मूड पे चलती है। कभी तो एक साल में सिर्फ 50 या 60% गेन देके जाती है कंपनी, कभी
2 या 3 महीने के अंदर अंदर 100% से ज़्यादा गेन देखी जाती है। जो लो है वो भी 2020, अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे आप लोग, लो 2020 का रहेगा, हाई 2021 का रहेगा, या तो फिर लो और हाई दोनों ही 2020 का रहेगा। लेकिन इसमें अलग है, 90% कंपनी में लो 2020 और हाई 2021 में रहेगा, क्योंकि 2021 में तो निफ्टी सेंसेक्स सब अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा था। लेकिन इस कंपनी का अलग ही है, क्योंकि 2021 में ही इसका लो लगा हुआ है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल सकते हो, ये इतना कुछ सर्टेन नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है पूरा, इतना ज़्यादा कुछ हाँ देके जाएगा ही जाएगा, ब्लू चिप की तरह ऐसे कुछ कह नहीं सकते इस कंपनी में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ DM में मत बताना, क्योंकि इतना DM पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आके पेंडिंग है अभी भी। मैं धीरे धीरे हर दिन 5 या 6 DMs हर रोज़ एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा जो फॉलोअर्स है ऑलमोस्ट 500+ है। अगर हर रोज़ 20 लोग भी मैसेज करें ना हर रोज़, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, फुल टाइम इन्वेस्टर, मुझे मार्केट में देखना पड़ता है, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है और पोस्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं देख के बता दूंगा। हर एक को पर्सनली DM करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जितना हो सके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कुछ उससे भी ज़्यादा रह जाता है तो DM में आके पूछ सकते हो। चलो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।